हे आहेत युसुफ खान, मोहम्मद खान। ते जे काम करतायत त्याचं खरंच कौतुक व्हायला हवं। ते जी गोष्ट गोळा करतायत ती आहे अनेकांचा जीव घेणारा मांजा, ज्यामुळे सणाच्या दिवशीच अनेकांवर संक्रांत येते। त्यात माणसंही असतात आणि पशुपक्षीसुद्धा। दौरे का मकसद ऐसा है कि मैं कई वर्षों से ये काम कर रहा हूँ कि अक्सर रोड के ऊपर देखा गया है कि पशु पक्षी प्राणियों को इनको ज़्यादातर तकलीफ होती है, और जो रास्ते से जो चलने वाले उन्हीं के किसी के पैर कटता है, किसी का हाथ कटता है, ये देखकर बहुत दुख होता है मेरे को। ये कारण मैं ये सब मांजे जमा करता हूँ। रोड के ऊपर से कई लोगों के हाथ भी कटे, कई के गले कटे। अभी कल मैंने जो हादसा देखा वो बहुत दुख भरा था कि दो पक्षी कबूतर और चील जिसे बोलते हैं, ये दोनों पक्षी बिल्कुल घायल पड़े हुए थे। जीत कलेक्शन के थोड़ा आगे जिसमें एक पक्षी का तो पैर पूरा कट गया था, पर उसका कटने के बाद बहुत लाचारी से वो हुआ। तो ये हर साल की तरह मैं जमा करता हूँ ताकि लोगों को इजा ना पहुँचे। कितने साल से कर रहे हैं? ये मैं 15 साल हो गए, ये 16वां साल मेरा चालू है। और ये जो मांजा है ये बहुत ही घातक है। ये मांजा ऐसा घातक है कि जिससे कुछ कहा नहीं सकता। कहाँ कहाँ गोला करते हैं मांजा? ये पूरे शहर के अंदर फिरता हूँ मैं। जो मेन रोड है, मेन रोड पे जहाँ ज़्यादा वाहतुक है, जिस एरिया में वाहतुक ज़्यादा चलता है, पब्लिक सिटी ज़्यादा चलती है, उसी एरिया से मैं ये जमा करता हूँ। कितना मांजा गोला करते हैं? ये लगभग कभी 20 किलो भी हो जाता, कभी 30 किलो भी होता। अभी तो प्रशासन को मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी उन्होंने कुछ इंक्वायरी करे इस मांजे के बारे में, तो उसी के कारण थोड़ा अभी इस साल बोले मांजा 20 से 25 किलो मेरे पास जमा हुआ। ये मांजा गोला करके क्या करते हैं? ये मांजा जमा करने के बाद मैं जला डालता हूँ इनको। ये पिछले साल मैंने पुलिस स्टेशन में जलाया था। अब ये साल भी देखेंगे कि पुलिस स्टेशन से मुझे बुलाना आएगा तो उस वक्त मैं वहाँ पर जला डालूँगा। कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस ये एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मांजा जो है इसके ऊपर बिल्कुल बंदी लगा दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही घातक मांजा है। अभी तुम सीमित हॉस्पिटल में जाके देखो एक 11 साल का बच्चे का क्या हाल है ये मांजे की वजह से। आज वो बच्चा है तो वहाँ पे मौत के दिन में झेल रहा है, उसका गले पे कुछ वाल लगा है, कुछ हाथ कटा है, यही मांजे के कारण। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही विनंती करता हूँ कि ये मांजे को बिल्कुल बैन लगा दे, क्योंकि बहुत ही घातक मांजा है। अपन मकर संक्रांति साजरी करतो, तिळगुळ वाटतो, गोडगोड बोला असंही म्हणतो, पतंगही उडवतो, पण त्याच दिवशी काही ठिकाणी अशा घटना घडतात जिथे कुटुंबावर संकट आलेलं असतं। त्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे नायलॉनचा मांजा। नागपुरात तर एका 11 वर्षाच्या चिमुकल्याचा शाळेतून येत असताना मांजाने गळा कापल्याने मृत्यू झाला। तो बिचारा रडत रडत वेळेत उपचार न झाल्याने आपल्या जीवाला मुकला। अशा अनेक घटना देशभरात घडतात, कोणाचा जीव जातो तर कोणी गंभीर जखमी होतो। नायलॉनच्या मांजामध्ये अडकून पशुपक्षीसुद्धा आपला जीव गमावतात। अशा घटनांना आळा घालणं हे मोठं आव्हान प्रशासनासमोर असतं। मात्र युसुफ खान, मोहम्मद खान हे पुढाकार घेत अशा घटना होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतायत। नंदुरबारातील चिराग गल्ली मोहल्ला भागातील युसुफ खान, मोहम्मद खान हे स्वतःहून मांजा गोळा करतात। रस्त्यावर पडलेला, झाडावर अडकलेला, वीज खांबांवर अडकलेला मांजा गोळा करून ते त्याची विल्हेवाट लावतात। गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांचा हा उपक्रम सुरू आहे। त्यांच्या या कार्याचं अनेकांनी कौतुक केलं आहे। मात्र अशा घटना टाळण्यासाठी आता समाजाने देखील पुढाकार घ्यायला हवा आणि अशा गोष्टी टाळायला हव्यात, हे मात्र नक्की। यांच्या या कार्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। फेसबुकवर हा व्हिडिओ पाहत असाल तर लोकमतच्या फेसबुक पेजला देखील फॉलो आणि लाईक करा। हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।